कोरोना बाधितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर महापौर दयाशंकर तिवारी ने रविवार शाम मनपा आयुक्त से फोन द्वारा चर्चा कर शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पताल में रिक्त बेड्स की कमी को देखते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे से मानकापुर क्रीड़ा स्टेडियम में आपातकालीन 500 बेड्स का अस्पताल तत्काल खोलने के लिए चर्चा कर त्वरित निर्णय के निर्देश दिए। इस कार्य के लिए मनपा अपने बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करे। स्थायी समिति अपने प्रस्तावित बजट में इसका नियोजन करेगी। प्रशासन इसे पूर्व मान्यता ग्रहाय कर प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण करे और आने वाले 7 दिनों में 500 बेड का हॉस्पिटल साकार करे, यह निर्देश महापौर ने दिए। फिलहाल नागपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। गंभीर रोगियों को अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जाने के बावजूद शहर में हालत गंभीर हो चली है। इस गंभीर परिस्थिति में राज्य सरकार ने भी पूर्व घोषणा अनुरूप अतिरिक्त 1000 बेड्स की व्यवस्था करनी चाहिए। पालक मंत्री महोदय त्वरित इस दिशा में निर्णय ले, आग्रह भी उन्होंने किया। महापौर ने कहा कि मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के रिश्तेदार दर दर भटक रहे हैं। इनको राहत प्रदान करने के लिए मनपा को 5000 इंजेक्शन तत्काल खरीद कर मरीजों की जान बचाने में सामने आना चाहिए और जो कृत्रिम कमी दिखाई जा रही है उसे मरीजों एवं परिजनों को राहत दिलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनपा को संकट की घड़ी में सामाजिक संस्था की मदद लेकर जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। महापौर ने स्वयं संस्था संचालकों से इस संदर्भ में फोन पर चर्चा की है। कई वरिष्ठ डॉक्टर अपनी सेवाएं देने को तैयार है। इस दिशा में तत्काल विचार करना आवश्यक है। इस संकट की घड़ी में आयुक्त अविलंब निर्णय ले, यह निर्देश उन्होंने दिए। प्रिय नगरवासियों, सप्रेम नमस्कार। मैं स्वयं कोविड से पीड़ित होकर के घर पर बैठा हूँ और रोज अखबारों में आंकड़े देख करके और प्रशासन से आंकड़े सुन करके घर में परेशान हो रहा हूँ। बारम्बार हम लोग राह देख रहे हैं महानगर पालिका के माध्यम से। इस भयासुर और भयावह स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ अलग से राहत नागपुर के लिए मिलेगी, परंतु बारंबार की जाने वाली अपेक्षा नगण्य दिखाई दे रही है। आज जब आंकड़ा 7000 के पार हो गया, मैंने आयुक्त महोदय जी से व्यक्तिगत तौर पर टेलीफोन पर चर्चा करी और चर्चा करके मैंने कहा कि अब किसी की राह देखने की आवश्यकता नहीं, महानगर पालिका ने स्वयं 2 कदम आगे बढ़कर के काम करना चाहिए। मैंने आयुक्त महोदय जी से निवेदन किया कि आप जिलाधिकारी से बात करें और नागपुर शहर में जो इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम है मानकापुर में, उस जगह 500 बेड का एक आपातकालीन दवाखाना 7 दिन में शुरू करने की व्यवस्था के दृष्टि से हम लोग प्रयास करें। इसके लिए वर्तमान में लगने वाली निधि नागपुर महानगर पालिका के निधि में से 10 करोड़ रुपए का नियोजन महानगर पालिका के माध्यम से करें और इसे पोस्ट फैक्टो सैंक्शन समझ करके इसको कार्यान्वित करने की दिशा में आयुक्त महोदय काम करें। वर्तमान में स्थायी समिति के बजट में हम इसका प्रावधान 100% करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। साथ ही साथ में यह भी निवेदन किया गया कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्तमान में शहर में जो कृत्रिम कालाबाजारी की स्थिति हो रही है रेमडेसिविर की उपलब्धि को लेकर के, उस अवस्था से निपटने के लिए महानगर पालिका अपने स्टॉक में 5000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन रखे और सामान्य तौर पर किसी भी नागरिक को रेमडेसिविर के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इस बात की तरफ महानगर पालिका विशेष रूप से ध्यान दे। इसलिए महानगर पालिका तुरंत प्रभाव से 5000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदे, इस प्रकार के निर्देश भी माननीय आयुक्त महोदय को दिए गए। साथ ही साथ में मैं आह्वान करना चाहता हूँ माननीय पालक मंत्री जी से कि पालक मंत्री जी, आपने पिछले कोरोना के कार्यकाल में कहा था कि नागपुर शहर में 1000 बेड का एक हॉस्पिटल हम लोग शुरू करेंगे, जम्बो हॉस्पिटल। उसे केवल घोषणा न रहने दे, तुरंत उसको भी प्रारंभ करें। कारण उसको प्रारंभ करना इसलिए नितांत आवश्यकता है कि शहर में अगर 7000 पेशेंट रोज निकलेंगे तो नागरिकों को पर जगह जगह भटकना पड़ रहा है और ऑक्सीजन बेड तो हमें मिल जाती है लेकिन हमें आईसीयू और कहीं ना कहीं वेंटिलेटर की बड़ी नितांत आवश्यकता है जिसकी कमी पड़ रही है। इस दिशा से काम करने के लिए भी आपने आगे आना चाहिए। मुझे विश्वास है राज्य सरकार अगर 1000 बेड के दवाखाने को तुरंत शुरू करने के लिए आने वाले 8-10 दिन में निर्णय लेती है और महानगर पालिका यह 500 बेड के दवाखाने को तुरंत शुरू करती है। इसी के साथ साथ नागपुर महानगर पालिका अपने 5 पावली के हमारा महिला रुग्णालय उसको भी पूर्ण रूप से अगर कोविड के रूप में परावर्तित कर देती है। पिछले समय हमने केवल वुमेन्स मैटरनिटी के लिए रखा था, इसमें पूर्ण रूप से कोविड वार्ड के रूप में कर देती है, 2-3 दिन में उसको भी शुरू करती है। तो इस शहर में एक साथ हम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा बेड उपलब्ध करा सकते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BC News नागपुर।